काफी परेशान रहे हम, तो अगर एक गलती हमसे हो गई है दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। तो आपने इस हाँ वो जरूर सपोर्ट करेंगे। कहते हैं ना कि छोटी सी गलती जो है इंसान को कहाँ पर कहाँ ले जाती है। एक छोटी सी हमसे गलती हुई, अगर वो बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर होता है वैसे होता है, लेकिन अभी जो है यही सोचा है कि बहन भाई सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी सुबह का हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जो इस दुनिया फानी से चले गए अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, और अल्लाह पाक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो काम काज है, आज की जो रूटीन है, वो तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, और आपने वीडियो को बिल्कुल से पिक नहीं करना, वीडियो के साथ जुड़े रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है। तो फिर चलते हैं व्लॉग। आ चुकी हो वापस, स्कूल की छुट्टी हो गई? आज जुम्मा है वापसी, आज जुम्मा है, छुट्टी हो गई है, और आज रात पानी भी अपना साथ लेकर गई थी और खाना वगैरह भी लेकर गई थी। अभी आ चुकी है स्कूल से वापस। आज हवा चली हो या गर्मी है? आज किधर है? आज तो हवा है। चलो ठीक है, ये बैग वगैरह रख दो और ठंडा पानी वगैरह पी लो। आप क्या कर रही हैं? धुलाई करने के लिए। इधर वसीम जी अपने लगा हुआ है बैग धोने के लिए, क्योंकि इनका स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। अभी ये बैग अपने बैग की कर रहा है जी धुलाई, और सर्फ इन्होंने डाला हुआ है, ये देखें काला पानी हो गया, ये देखें, ये तो इसका कलर उतर रहा है ना बैग का, तो इसको अच्छी तरह से बुरश लगा के धोना पड़ेगा। और नाजिया ने कपड़े वगैरह भी मेरे हिसाब से ना सिलाई करने हैं, ये जो खड़े हैं ना ये और एक जो है ये वाला, ये भी इन्होंने सिलाई करने हैं मेरे हिसाब से। ये सिलाई करने के लिए है ना? हाँ जी, सिलाई कार खड़ाई थी मैंने कहा ये जब तक ये खुश होते हैं ना तो घर का काम निपटा लूँ, तो फिर बाद में ना इनको काट के सिलाई करूँगी। सही है, ये सूट किसका है नीला? ये मेरा सूट है। आपने कब लिया है? कल मैं लेकर आई थी, ये वाला सूट जो है ये मेरा है, ये वाला हाजरा का है, वो वाला मुशफिरा का है। अच्छा, ये तीनों सूट आपके हैं? लिए थे जो सिस्टर ने पैसे भेजे थे ना, हाँ, तो उनसे ना मैंने ये एक एक सूट लिया है, एक हाजरा का, एक मुस्फिरा का और एक अपना, क्योंकि हमारे कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ मैंने कहा खर्चा कर लेते हैं और कुछ जो है ना एक एक सूट जो है वो ले लेते हैं। तो कल मैं लेकर आई थी तो बहन भाइयों को नहीं दिखाया था, वो अभी देख रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि कल वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई थी इस वजह से हमने नहीं दिखाया। और ये जो है कल लेकर आई थी, जैसे आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, ये चौक पर जा रही थी, हाँ जी, तो इन्होंने कहा छोटे मोटे काम है, तो ऐसे है कि बच्चों वगैरह के कपड़े बिल्कुल नहीं है, इस वजह से नादिया का भी बिल्कुल नहीं था। नादिया ने कहा एक सूट जो है वो मैं ले लेती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है एक एक सूट आप ले लें, बाकी जो है अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। हाँ जी, और वो वाला सूट जो है ये मैंने अपने लिए लिया था, ये वाला, हाँ जी, और ये हाजरा का, ये हाजरा का, और ये मुस्फिरा का जी। ये तीन सूट हैं जी सिर्फ, ये अपनी माँ और बेटियों के, हाँ जी। बाकी वसीम की हालत देखें, ये भी कपड़े फाड़ के बैठा है, इसके नहीं लिए पैसे ही नहीं बचे, 6000 रुपया था, 5000 के यही तीन सूट कपड़ों के हुए हैं, 1000 बच्चा है, उनकी छोटी मोटी चीजें जो लेनी थी वो मैंने ले ली, एक दूध वाली बाल्टी लेनी थी वो ली थी, और जैसे बच्चों के लास्टिक वगैरह और चीज़ें छोटी मोटी पोनियाँ वगैरह जो है स्कूल जाती है ना बच्चियाँ, तो वो लेनी थी वो मैंने ली, तो 1000 रुपया ऐसे ही खर्च हो गया। 5000 के यही तीन सूट कपड़े के आए हैं, और तो पैसे बच्चे नहीं हैं जो इनके ले लेती, इनके भी ख़त्म हो गए। ये देखें एक सलवार और है, कमीज और है, और वो भी कमीज फाड़ा हुआ
क्या ये क्या करती? मैंने कहा अभी एक एक सूट हम अपना ले आते हैं, फिर जो है आगे से देखेंगे, अगर पैसे होंगे तो एक एक सूट इनका और आपका जो और इब्राहिम का। चलो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है चलता हूँ मैं बहर की तरफ, बहर का व्यू वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक खैर करेगा। आपने एक सूट अपना ले लिया ना, इसको सिलाई करें, बच्चों वगैरह के भी सिलाई जो करने हैं वो करें, बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। कोई ऐसा मसला नहीं, बेटियां हैं ना उनके बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, अगर बच्चे हैं वो तो फटे पुराने उनकी सिलाई कर दें तो उनके गुजारा चल जाता है। बेटियाँ जो है ना उनका मुझे बहुत टेंशन होती है। फिर हाजरा के भी नहीं थे और मोस्फिरा के बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। आपका कौन सा ये देखे फटे हुए पहने हुए हैं आपने भी? मेरा ये एक ही सूट है, वो भी फटा हुआ सिलाई की हुई है, सिलाई की है मैंने और पहना हुआ है। क्या बहन भाइयों को बताएं कि हमारे पास कपड़े नहीं है? बस ये बातें हम करते नहीं है, करते नहीं है, बस वैसे ही जैसा गुजारा है हमारा चल रहा है। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। और जी अभी चलते हैं इधर देखते हैं, क्योंकि कल का जैसे आपने देखा था इधर जो है ना काम वगैरह हो रहा था बाथरूम वगैरह का, तो कल मैंने आपको दिखाया था ये लेंटर वगैरह भी, और ये पिलर के फट्टे वगैरह आज लगा गए हैं, हो सकता है ये पिलर की भराई हो, और इधर भी, हाँ इधर भी फट्टे लगे हुए हैं, ये भी पिलर की भराई होगी, और इधर जो है उन्होंने लगाना है गेट वगैरह, तो इधर गेट लगेगा। क्या शोर क्या है? ये बाइक धो रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने ये धुलाई किया है और ये हो रहा है, वाह। टीचर ने क्या कहा है कि धो के आना है, तो धो के रखा करो ना, अच्छी तरह से धो लो, दोनों को ब्रश लगाओ, बाइक धो के ना इनको धूप पे खड़ा दो, और जो है ना आप दोनों ने नहाना है, और ये कपड़े जो है ना चेंज कर लो, और मशीन लगाएंगे हम कपड़े, ये ना धुलाई कर लेंगे, और कोई देख कर पहन लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंशी साहब क्या हाल है? क्या हाल है सर, तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त है, अल्लाह का फजल करम है। अच्छा अरे आप तैयारी मेरे घर की कहाँ जा रहे हैं? लंबे टूर पे जा रहा हूँ जी। ओ दुआ करनी है। अच्छा जी, हाँ जी, बाकी हाँ किधर जा रहे हैं मुझे तो बता के जाए। नहीं किसी को बताना नहीं है ना, सरप्राइज होती है भाई, क्योंकि अगर एडवांस में बता दें तो फिर ना वो जो हमारे बहन भाई देखने वाले हैं वो एडवांस में उधर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मेरा दिल जो है ना छोटा था, मुझे बता दिया। नहीं आपको बताएंगे तो फिर वीडियो में चला जाएगा, फिर वही बात, बहन भाई जो देखने वाले हैं हमारे फैन हैं वो कहेंगे ये हमारे शहर में आ गया, आ रहा है जी, फिर वो एडवांस आगे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी, इसलिए ना मैंने सिर्फ जब इधर से गाड़ी पे बैठना है फिर जो है मैंने लोकेशन सेंड कर देनी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लंबा टूर है, तकरीबन दो दिन लग सकते हैं, तीन दिन लग सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अकेले जा रहा हूँ, दुआ करनी है। मैं सोच रहा हूं कि इधर की जाए। ये सोचते रहो। और इधर जी इस्लामुद्दीन बख्तावर ये खा रहे हैं जी खाना, अभी अभी स्कूल से आए हैं मेरे हिसाब से, वापस वापस आए हो ना नूर मोहम्मद, आपने खाना नहीं खाया? खा लिया। हैदर आप क्या कर रहे हो, चीज खा रहे हो? माशाल्लाह जी इधर आए थे तो भाभी जो है साहिबा नज़र नहीं आई, मुंशी बैठा था, अभी पता चला है कि ये ना कपड़े धुलाई कर रही थी। मैं उधर कपड़े धुलाई कर रही थी, मशीन लगाई है ना सुबह की। अच्छा, रोज धो रही थी कपड़े। सही सही, धो लिए? नहीं अभी रहते हैं। अभी मशीन लगी हुई है? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह जी, एक जो है पोर निकाल रही है कपड़े धुलाई करके, ये टांग रही है धूप पर, और दूसरा पोर जो है वो मेरे हिसाब से धुलाई हो रहा है, और एक पोर अभी रखा हुआ है। एक अभी भी रखा हुआ है? अच्छा, ये देखें जी मेरे चकोरों के काम इधर पहुंचे हुए हैं, ये सारा दिन इधर ही रहते हैं, ये सारा मुल्क घूमते हैं, तो जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे। अच्छा हाँ जी, सही सही। वो मैं डब्बे में चीनी डाल रही थी ना, तो अपने चोंच के साथ में से वो चीनी बाहर निकालते फिर खा जाते, बाहर निकालते फिर खा जाते। चीनी भी खाते हैं? हाँ। अच्छा ठीक ठीक, कहाँ गए असलम खान? उधर मिस्त्रियों के पास
रहे थे, वो जो मिस्त्री आए हुए थे ना। आज तो जुम्मा है, कहाँ आए मिस्त्री? वो दूसरे शटरिंग वाले आए थे, अच्छा लगा रहे थे ना पिलरों को। सही सही। अभी जी चलते हैं बहर। तो इधर आपको जैसे पता है रूटीन का, कि रूटीन के हिसाब से सब जो है घर में अपने काम काज में बिजी। इधर चल के देखते हैं जो है वो क्या हो रहा है। जैसे मैंने दूर से आपको दिखाया है पिलर वगैरह के हिसाब, तो पिलर के फट्टे वगैरह जो है वो बांधे गए हैं। ये है मेन गेट के पिलर। इधर बाहर नहीं, इधर डालेंगे ना यार। बजरी में मिक्स कर रहे हो मिट्टी, या तो बजरी को साइड पे काट लो। अच्छा, इधर इकट्ठी करके फिर सुटेंगे इसमें? हाँ, इधर इकट्ठी करेंगे ना, फिर इधर से इसमें डाल देंगे। सही। अब चार ये 9 इंच की दीवार जानी है बाली साइड पे इधर से, ठीक है? इधर से इधर जगह बच जानी है, और इधर 4 इंच की जानी है। फिर भी ये थोड़ा हो जाएगा? नहीं, बहुत है। आपको ये बताऊँ, ये 9 इंच की है ना, इधर एक ईंट आनी है ऐसे। वो तो 4 इंच की जाएगी, इधर से 5 इंच बच जाएगा। या हो सकता है इधर से लगा लें, उधर से भी 4 इंच की लगा लें, उधर से भी। ये रहने दें, फिर इसके ऊपर से लगा दें जो भी जाती है। ये भी सही है, इसको फिर प्लास्टर कर देंगे। ये भी सही है, लेकिन ये है कि फिर इससे पानी अंदर जाएगा ना, ये नमी पकड़ते हैं ना, फिर ये उधर चला जाएगा ज़्यादा पानी। इसलिए हम अपनी लगाएंगे ताकि ये पानी का सिलसिला है ना, हाँ, ये उधर नहीं जाए। इधर 4 इंच की लगा देंगे, अपनी अपनी चीज़ होती है। कल को ये ना कोई कहे कि यार ये हमारी दीवार है ऐसी है वैसी है, क्योंकि फिर एक ईंट का भी मसला आ जाए ना, तो बहुत बड़ा रोला बन जाता है। सही। आज तो जुम्मा की छुट्टी, आज मिस्त्री नहीं आया, ये मजदूर इन्होंने ईंटें उठाई हैं मुखलस की, वो उधर इकट्ठी की है। सही। और ये कॉलम बना के गए हैं शतरंग वाले, और ये बत्ती डाल रही है, तो कल आएंगे मिस्त्री। अच्छा, रात हम इधर आके काफ़ी बहस करते रहे, आइडिया लगाते रहे, फिर बाद में मुंशी ने बताया कि गेट जो है ना वो इधर दीवार के साथ लग जाने हैं। हाँ, इधर बाहर लगेंगे ना उनके बहर है, गेट के बहरा होगा बाहर, फिर इधर जब इधर करेंगे तो इधर बंद हो जाएगा, अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन जब खोलेंगे ना वो इधर दीवार के साथ लग जाएगा, उधर दीवार के साथ। वो रात हम ना इधर आइडिया लगा रहे थे, ऐसे सड़क पे खड़े रहेंगे। मैंने कहा इधर आ जाएंगे फिर कैसे कटाई होगी गाड़ी की, और वो जो है कैसे निकलेगी, ऐसे हिसाब लगा रहे थे। और भी किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, उसने कहा था आप ये वाला जो गेट है इसको लगवाओ ये अंदर खुले, और ये वाला जो है ये लगवाओ बाहर खुले, ताकि तेरी गाड़ी ऐसे आ सके सुकून से। मैंने कहा यार कमाल की बात है, ये वाला दीवार के साथ लग जाना है, ये वाला दीवार के साथ लग जाना है, कितना खुला हो जाना है सड़क, मेरी गाड़ी सुकून से आएगी। यानी कि वो देख रहे थे ना, जैसे अहमद भाई का गेट लगा हुआ है ना, वो ऐसे देख रहे थे ना कि वो जो है ना ऐसे खुल जाता है ना, वो दीवार के साथ तो नहीं लगता ना, पीछे नहीं जाता वो, इस वजह से वो कहता था उसकी घूम जाती है। मैंने कहा वो सड़क अहमद दीन ने भी बाहर लगवाना था गेट, खूबसूरत भी नजर आता, वो बंद हो जाता है बिल्कुल, और फिर दीवार के साथ लग जाता ना, फिर गाड़ी सुकून से जाती। आप देखें 11 फुट बहुत बड़ा है हमारी गाड़ी, देखें चौकी कितनी। नहीं, ये तो इधर से सुकून से चली जाएगी, इधर तक भी होता ना फिर भी हमारी गाड़ी सुकून से जा सकती, लेकिन हमने खुला रखा है क्योंकि आपको पता है हम पक्के ड्राइवर नहीं हैं, फिर हो सकता है कल को हम बड़ी गाड़ी ले लें, क्या बोलते हैं उसे, पराडो, हाँ पराडो जो ले लें, फिर कैसे हम गुजारेंगे, फिर इसीलिए बड़ा गेट है, चाहे जो मर बस भी ले लें या ट्रक भी, वो भी चला जाएगा। हाँ, ट्रक इधर खड़ा हो जाएगा। सही। और नहीं, वो तो हो जाएगा, इसीलिए सोच समझ के बात करो, आगे ज़िंदगी का कोई पता नहीं। चलो मैं नहीं पंगे लेता, मेरे बच्चे पंगे ले लें कल को, फिर अब नूरुद्दीन जो है वो बोले यार मैंने ट्रक लेना है, और ट्रक के मजदूरी करनी है, ट्रक चलाना है, तो फिर लेना पड़ेगा साल ज़ाहिर है, फिर वो कहाँ जाएगा, इसीलिए ट्रक को इधर ट्रक जो है ना, वैसे वो अंदर होते तो नहीं है, लेकिन हम अंदर खड़ा करेंगे। चलो जी, ठीक हो गया, काफ़ी बातें हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी चलते हैं। ये ईंटें क्या, इतनी ईंटें आपने लगा दी सिर्फ इधर बाथरूम में? ये ईंटें हाँ, अभी और लगनी है,
नहीं अब कम लगेंगे, थोड़ी बच जाएंगी। मुझे लगता है जो आपको देनी है और मुखलिस को देनी है ना, वो फिर मुझे दोबारा फिर मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि फिर ऊपर पर्दी भी करनी है ना। अभी काफ़ी काम रहता है, दुआ करो पूरा हो जाए, अल्लाह पाक बेहतर करे, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। चलते हैं जी, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं रूटीन के हिसाब से कोई काम काज वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह जी, अभी पहुंच चुके हैं। नादिया जो है अपने कपड़ों की कटाई कर दी है इन्होंने शुरू। हाँ जी। तो सबसे पहले किसके कटाई हो रहे हैं? ये मोस्पिरा के। सबसे पहले उसके कटाई करने हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और आज जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम फिर से स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने मशीन को जो है वो रवा करना है, इसको चलाना है अच्छी तरह से। तो इधर भी कपड़े रखे हुए हैं कुछ। ये किसके हैं? ये मेरे सूट का दुपट्टा है। ये दुपट्टा है। और बाकी जैसे आपने वीडियो में कपड़े वगैरह देखे हैं, कुछ जो हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, ये देखें। और ये सारे जो हैं अभी कटाई कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं और तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर जो है वो कर देते हैं कि अभी जो है इसका काम स्टार्ट हो चुका है दोबारा। कैसे? और आपने जी हमारा एक चैनल जैसे आप तमाम बहन भाइयों ने सपोर्ट की, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ। उसमें काफ़ी हमने खर्चा वगैरह भी किया, काफ़ी खर्चा हुआ कि हमारा चैनल जो है वो अच्छा जा रहा था, काफ़ी बहन भाई सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो जो है ना बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन उसमें क्या बना कि मोनेटाइज में इशू आ गया, मोनेटाइज नहीं हुआ, तो काफ़ी परेशान रहे हम। तो अभी जो है हमने और चैनल क्रिएट किया है, न्यू चैनल, जिसका नेम वही है नादिया विलेज फूड। नेम हमने वही रख दिया, हमने वीडियोज़ वगैरह जो है वो उसके ऊपर जो है अपलोड भी कर दी हैं, लेकिन अभी हमने जो है वो पब्लिश नहीं की है। पब्लिश जब करेंगे तो तमाम बहन भाई सपोर्ट करें, उस चैनल को सर्च करें और जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दें। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है तो वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, और आपने जो है ज़रूर हमारी सपोर्ट करनी है, क्योंकि वो न्यू चैनल पर आप क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे उस पे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ मिलेंगी। और जो पुराने चैनल वाले वीडियोस थी वो मैंने सारी जो हैं वो डाउनलोड कर दी हैं, और अभी जो है पहले सब वीडियो जो है मैंने वही अपलोड करनी है चैनल पर जो बनी पड़ी हैं। तो आपने ज़रूर वीडियो फुल वॉच करनी है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है नादिया विलेज फूड को। और आपने जैसे पहले आपकी मोहब्बत के तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है हमारा चैनल के 20-25 दिन के अंदर अंदर जो उसके सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे, उसका वॉच टाइम भी पूरा हो गया था, सब कुछ, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो सका। एक गलती हमसे हो गई है, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। तो आपने इस नादिया विलेज फूड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब करना है। इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने लिंक पे जाना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी रेसिपी की। तो ये हमारा अकरम खान व्लॉग्स पे भी आपने काफ़ी जो है सपोर्ट की है, और नादिया विलेज फूड पर भी आपने ऐसे सपोर्ट करनी है, क्योंकि उस पर आपको रेसिपियाँ मिलेंगी अच्छी अच्छी। तो आज का ये हमारा काम था, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है कपड़े वगैरह का, नादिया जो है ये कर रही है जी। और वीडियो जो है हमारी वो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैंने कहा कि बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे नादिया विलेज फूड को सब्सक्राइब कर दें जी। तो अभी मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आप तमाम बहन भाई ज़रूर विज़िट करेंगे चैनल का, ज़रूर जो है उनकी सपोर्ट करेंगे हमारी। आप हाँ वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे और हमारा चैनल जो है 2-4 दिन के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दे हमारा। हाँ तो आगे जो है ना हम कहते हैं कि वो हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। फिर पहले जो है हमने जैसा पता है हमने बनाया था चैनल, माशाल्लाह बहन भाइयों ने इतनी सपोर्ट की थी कि हमारे ना जल्दी से सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे और वॉच टाइम जो था वो भी पूरा हो गया था। सिर्फ एक थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती, कैसे कहते हैं ना कि छोटी सी गलती जो है इंसान को कहां पर कहां ले जाती है। एक छोटी सी हमसे गलती हुई, अगर वो चैनल मैं इसका एडसन ना बनाता लेता, मैं अपने बड़े चैनल के साथ उसको अटैच कर देता, तो आज वो हमारा चैनल भी गर्व में होता, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल चल रहा होता, हमें जो है
किसी चीज की मुश्किलात ना होती शायद, बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर होता है वैसे होता है। लेकिन अभी जो है यही सोचा है कि बहन भाई सपोर्ट करें, दो तीन दिन के अंदर अंदर आप उसके सब्सक्राइबर पूरे कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तहे दिल से तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि आप बहन भाइयों ने हमें दुनिया में जो सपोर्ट की है। अल्लाह पाक आपको आखिरत की कामयाबी दे और दुनिया में भी कामयाबी दे, आखिरत में भी आप तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक कामयाबी दे। क्योंकि आप अगर एक वीडियो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखनी है, उस आपकी वीडियो देखने से हमारी हौसला अफजाई भी होगी, हमारी सपोर्ट होगी, हमारे हालात जो वो अच्छे हो जाएंगे। और तमाम बहन भाइयों से बार बार यही रिक्वेस्ट है, नाजिया विलेज फूड को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल क्रिएट किया है क्योंकि पहले वाला हमारा ख़राब हो चुका है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।